बमोरी के ग्राम किशनपुरा, टकोदिया, रामनगर, भूमराखेड़ी, अजरोड़ा आदि के ग्रामवासी पहुंचे। कलेक्ट्रेट नहर का पानी न मिलने को लेकर दिया ज्ञापन। ग्रामवासियों का कहना है कि मकरावादा के डैम से नहर द्वारा आ रहे पानी को रोक रहे हैं, जिससे पानी नदी नालों में व्यर्थ हो रहा है और नहर से जो पानी आता है वह हमारे खेत तक नहीं पहुंचता है, जिससे हम ग्रामवासियों को पानी नहीं मिलने के कारण गेहूं की फसल सूख रही है। गुना कलेक्टर से आवेदन देकर समस्या के समाधान करने की मांग की। आपका शिशुपाल यादव, कहाँ रहते हैं आप? किशनपुरा जी, बताएं क्या समस्या लेके आए थे यार? सर, हमारे रामपुर मकरावदा डैम से नहर आती है तो वो 10 तारीख को छूटी है, आज 24 तारीख हो गई है। ऊपर वाले डबलिंग पानी दे रहे हैं और रात में चालू करके छोड़ जाते हैं और पानी वेस्ट जा रहा है नदी नालों में, तो नीचे हमारी फसल सूख रही है। तो ये मान लो सर, पानी आने नहीं दे रहे हैं। कौन आने नहीं दे रहे? ऊपर वाले जो किसान है ना, वो डबल पानी दे रहे हैं तो वो आने नहीं दे रहे। तो वहाँ के आपने प्रबंधक से बात की? हाँ, हमने SDO साहब से भी की, ई साहब से भी बात की, प्रशासन मदद नहीं कर पा रहा है। क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं करेंगे, जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। वहाँ किसानों से बात की आपने? हाँ, किसानों से की बात, किसान नहीं मानते हैं, वो रात में चालू करके छोड़ देते हैं। और दिन में नहर आती है? नहीं आती है दिन में, हमारे यहाँ नहीं पहुँच रही। दिन में क्यों नहीं आ रही? बंद कर देते हैं ना वो सर, बंदी लगा देते हैं। बंदी लग रही है। कितने किसान हैं आप वहाँ पे? हमारे गांव से 20-25 किसान आए हैं अभी। कितनी क्या फसल खराब हो रही है? तो गेहूं की फसल है, पानी मांग रही है तो रकबा बहुत। चार गांव का रकबा है, चार गांव का रकबा है। कितने गांव का रकबा है? चार पांच गांव का रकबा है। किशनपुरा, रामनगर, टकोदिया, अजरोड़ा, भूमराखेड़ी, चकपारसी खेड़ा। पहले वहां तक लगवाया।